Sisa, Rosa, Fuga, Sisa, Rosa, Fuga. जल्दी निकलना है, जल्दी आओ। नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हो? ये ठीक नहीं है। क्या ये रास्ता ठीक नहीं है? हमें इस तरफ जाना है, चलो जल्दी। रुको, हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि हाईवे उस तरफ है। नहीं नहीं, हाईवे इस तरफ है। नहीं, तुम गलत हो, मेरे साथ चलो। चलो, बहुत हो गया, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम मर जाओगी, हम दोनों मारे जाएंगे। तुम जानती हो वो हमें मार डालेंगे, हमारी बलि दे देंगे। अच्छा ये बात है, ये तुमने क्या किया? तुमने सोचा तुम मुझे धोखा दोगे? यही इसकी सजा है। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। झूठ बोल रहे हो। डार्बी, ये गर्मी, ये रेगिस्तान, ये तुम्हें पागल कर देगा। मुझे यही अच्छा लगता है। जाते कहाँ हो? बहुत बड़ी गलती कर दी डायन। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगले जन्म में। जा 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 जा। Get lost। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पास कुछ है जो हमें चाहिए। क्यों पक रहे हो? पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। मुझे गर्मी लग रही है, मैं भी बस के अंदर बैठ। चलिए टाइम हो रहा है, हम सब मजाक करेंगे। हे, हम निकलने वाले हैं, कहाँ जाना है तुम्हें स्वीटी? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ब्लैक रॉक सिटी, सिर्फ मजा करेंगे इस सफर में। कितना होगा? पैसे नहीं लगते इस बर्निंग मैन में, ये गिफ्ट है। इसका मतलब फ्री जा सकते हैं? सिर्फ आज। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स। कितना मजा आ रहा है। हो जाएगा या कहीं और? आओ, बड़े खतरनाक। अरे मेरी शर्ट कहाँ गई? कहाँ रखी थी तुमने? मुझे याद है, मैं पहन के ही आई थी, फिर
कहाँ गायब हो गए? क्या कमाल की चीज है। सुनो सुनो सुनो, ये बर्निंग मैन कोई इवेंट नहीं है। जी हाँ, वहाँ पे सब कुछ होगा, मस्ती, म्यूजिक, डांस और हाँ, दोस्तों की मस्ती भी। तुम भी बहुत एंजॉय करोगे। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। डेफिनेटली तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगी, लेकिन मेरी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। मैंने सुना कि वहाँ 5,000 में सब कुछ मिलता है, एंजॉय करेंगे। तुम्हारी ड्रिंक खत्म हो गई? जो ब्लैक रॉक सिटी नेवडा में। कितनी देर तक पहुंचेंगे हम? कुछ कह नहीं सकते। लगता है मजा आएगा, सब लोग उतरेंगे वहाँ। मैं वहाँ तीसरी बार जा रही हूँ और हमेशा आर्ट एग्जीबिशन के लिए जाती हूँ। ओके, मुझे सुन के खुशी हुई। वो कैसा निशान है बताओ? इसकी बात कर रही हो? ये ड्रेस है मेरी। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम सुंदर लग रही हो। कितनी देर से दरवाजा पीट रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे दरवाजा पीटते हुए। अरे ये तो मेरी शर्ट है। ये तुमने मुझे गिफ्ट में दी थी। कहानी बना रहे हो क्या? अरे वही, जब तुम पहली बार आई थी। अब ठीक है। वेरी गुड। और पोज़ दो। वाह, बहुत सही था किम, परफेक्ट। तुम बहुत खूबसूरत हो। अब जरा कॉस्ट्यूम एडजस्ट करो। कमाल है जय, इससे ज्यादा और क्या चाहते? औरत की सुंदरता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है किम, सब दिमाग का कमाल है। इससे ज्यादा मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती। चलो मैं भी शर्ट उतार देता हूँ। कोई मुझे मारने आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज। वो मुझे मार देगा, मुझे बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प प्लीज, मेरी मदद करो, वो आदमी मुझे मार देगा। देखो उधर है, वो पागल हो गया है, मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, कभी भी किसी वक्त आ सकता है। अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। देखो उधर, हमारी सारी बातें वो सुन रहा है, किसी भी वक्त वो आ सकता है और हम पे अटैक करेगा और हम सबको मार देगा। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम्हारी समझ में कुछ आया? वो आ रहा है, सबको मार के दफना देगा। सबको दफना देगा? हाँ मैं सच कह रही हूँ, सबको मार के दफना देगा। मम्मी जैसे? हाँ मम्मी जैसे। तुम सच कह रही हो? सच बोल रही हूँ। वो आ जाएगा, उसका गैंग भी है। कुछ करो जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे मत बोलो। सबको मैं नहीं मारता। वो आ गया, मुझे नजर आ गया। अब क्या करोगे तुम? छोड़ोगे नहीं? आ जाओ। ये लो, छोड़ूंगी नहीं, खत्म कर।
सुनो, और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी ही दूर। मुझसे तुम सवाल मत करो। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ कि वहाँ कब पहुँचेंगे। बस पहुँचने वाले हैं, बस चला तो रही हूँ। हम हाईवे से आगे निकल गए क्या? हाँ, 5 मिनट हो गए हैं। अब ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन बाद में रास्ता ठीक हो जाएगा। जाओ बैठो। रोको 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 रोको। कह तो चुकी हूँ कि रास्ता ठीक नहीं, सब्र करो। ये मेरा क्या हाल हो गया? देखा, मैंने कहा था। या 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 या। इसने क्या पी लिया जो ऐसा चला रही है? शॉर्टकट है यार, जल्दी पहुंच जाएंगे, मजा आएगा। मजा तो आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने अफ्रीका की हंटिंग ट्रिप भी छोड़ दी है। अच्छा म्यूजिक चल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मजा तो आ ही रहा है ना। बस यहाँ अमीर गरीब कोई नहीं होता है, सब बस एंजॉय करते हैं। साथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए बस। और मैं वायाग्रा लाना भी नहीं भूला हूँ। वायाग्रा किसी को गिफ्ट देना है क्या? गिफ्ट नहीं, मेरे लिए। मैं जो लाता हूँ बस अपने लिए लाता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनो, हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, मुझे टायर चेक करना है। सब लोग बस के अंदर ही रहना, मैं नहीं चाहती कि बाहर जाकर तुम लोग परेशान हो। कोई बात नहीं, बस रात तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। फिक्र मत करो डियर, रात तक जरूर पहुँच जाएंगे। हे, हंड्रेड्स ऑफ बियर बॉटल्स हैं, किसी को चाहिए क्या? मैं भी पीऊंगी। अरे वो तो एक गाना है, वो सच में नहीं है। हंड्रेड ऑफ बियर बॉटल्स किसी को चाहिए क्या? हंड्रेड ऑफ बियर बॉटल किसी को चाहिए क्या? मुझे बोर लग रहा है। सुनो लारा, मुझे ड्रेस एडजस्ट करने बाथरूम चलोगी? हाँ नहीं, बहुत अच्छी है, आओ मेरे साथ। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो कैसा निशान है बताओ? अरे वाह, मुझे भी बाथरूम जाना है। ओ जाना है तो जाओ, वहाँ पे एक बड़ा सा होल है, उसी को क्लोजेट समझ लेना। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। क्या कर रही हो तुम? ये सब अजीब सा लग रहा है। अरे छोड़ो ना। लगता है वो लोग भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हनी। चाय मिला है, सब लोग एंजॉय करो। अरे तुम क्यों कुछ नहीं पी रहे हो? एंजॉय नहीं करना है क्या? तुम कहाँ चल दिए? थोड़ा सैर करने। उसने बस में रहने के लिए कहा है। अंदर बैठ के क्या करेंगे, मजे लेने हैं तो चलो बाहर चलते हैं, अगर नहीं जाना तो बस बैठे रहो। तो जो भी हो बर्निंग मैन पे मुझे जरूर बताना। और मुझे क्या मिलेगा? फ्री मसाज दूंगा। और तुम्हारे लिए भी। मुझे नेचर बहुत पसंद है, थोड़ी मस्ती हो जाए, नेचर का मजा लेती हूँ। लगता है रात को मजा आएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। वैसे कहावत है कि सफर में जब जाओ तो एंजॉय करते हुए जाओ। और ये किसने कहा तुमसे? ये बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने। ना तो मैं उन्हें जानता हूँ और ना तुम्हें जानता हूँ। सॉरी, मेरा नाम स्टुअर्ट पार्कर है, बड़ी खुशी हुई। मैं एलन आर्मस्ट्रांग, बहुत अमीर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और शिकार करना पसंद करता हूँ। मैं किसी जानवर को भी मार सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ये बात है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अच्छा नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ पर मजे लेने आया हूँ, पीना चाहता हूँ और बस मौज मस्ती करना चाहता हूँ, यही मेरा इरादा है। और तुम?
पता नहीं, शायद किसी लड़की के साथ मस्ती हो जाए। सर लो जाऊंगा। मजाक करो यार, मैं भी मस्ती करने के लिए आया हूँ। ये हुई ना बात, ये जान के अच्छा लगा। मेरा फोन नहीं लग रहा है, किसी और का फोन काम कर रहा है क्या? शायद हम लोग डेड जोन में हैं। उनको ये सब आदत है। ए यार, किसी ने बस ड्राइवर को देखा है क्या? वो कहाँ चली गई? कहीं नहीं दिख रही। क्या करे, मुझे अपने डैड का चॉपर लाना था। हाँ सही है, ऊपर से निकल जाते हम लोग। पीटर, तो क्या ये भी एक ऑप्शन था? हे, ज्यादा मत बोलो। एक्सक्यूज मी, चलो आगे बढ़ो, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। बर्निंग मैन के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स तोड़ने के लिए तो होते हैं। हे भगवान, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पीटर, पीटर, क्या उधर देखो? गाड़ी ने किसी को ठोका है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, बस तो रुकी हुई है। क्या कर रहे हो? नीचे क्या है? वॉरेन, मुझे सच में बाथरूम जाना है। हर चीज के लिए मेरी जरूरत नहीं है, इसको लो और वहां जाके कर लो। मुझे लगता है चाबी चाहिए उसे खोलने के लिए। गन लेके शूट कर लो। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा गन मेरे लगेज में है और मेरा लगेज इस कंपार्टमेंट में है। गन? तुम गन लेके आए हो? मुझे नहीं लगता कि वो गन्स फेस्टिवल में लाने देते हैं। मैं अपनी सुरक्षा के लिए लाया हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? अब मैं कहाँ जाकर जगह ढूंढूं? दोस्तों, ये वाला खुला हुआ है, जल्दी आओ। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर ऐसे नहीं मर सकते। एक्चुअली ये वही है। तो अब तक इस बस को कौन ड्राइव कर रहा था? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इतनी देर से जगह ढूंढ रही हो, जगह नहीं मिल रही थी। ये जगह ठीक है? हाँ, यहाँ करना ठीक होगा। चलाना जानते हो? बिना चाबी कैसे चलाओ इसे? ड्राइवर अपने साथ ले गए।
जल्दी चलाते क्यों नहीं? और उपाय है बस चलाने का? जल्दी करो, मुझे घर जाना है। क्या हो रहा है? अंदर तो बहुत मजा आ रहा था। अरे मजा आ गया, चलो कुछ और करते हैं। ऐसा कौन कर रहा है? हम लोग नहीं कर रहे हैं ये। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इस ट्रिप में आना ही नहीं चाहता था। ये सब मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है। कहते थे बहुत मजा आएगा। स्टुअर्ट तुम जाओ, वहाँ बहुत एंजॉयमेंट होगी, मजे करोगे, लड़कियाँ होंगी, इसलिए मैं आ गया। पर शैतानों, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है, समझे तुम? कौन है वो लोग? पता नहीं, ये इस रेगिस्तान के जंगली लोग हैं। लगता है हमारा इंतजार कर रहे थे। सही कहा, वो हमारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो सच में तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि बाहर क्या हुआ था? पता नहीं, वैसे हम बिजी थे। मेरा फोन भी नहीं काम कर रहा। किसी का भी नहीं कर रहा है। ओके, बुरी खबर, ड्राइवर चाबी लेके चली गई है, इसलिए हम फंसे हैं। गुड न्यूज ये है कि वो अंदर नहीं आ सकते हैं। मैंने ये बात बस में चढ़ने से पहले ही पता कर ली थी। ये खिड़कियाँ शटर प्रूफ है, बॉडी स्टील फ्रेम की है। ये गाड़ी किसी भी हादसे से बचने के लिए बनाई गई है। क्या ऐसे शैतानों से भी बच सकते हैं क्या इस बस में? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे वो लोग हैं कौन? वो लोग, वो वही है जो हमें मारने के लिए बेचैन है। वैसे बस ड्राइवर कहाँ है? अगर वो कहीं मरी पड़ी है तो उसके पास चाबी तो होगी ना। हम में से कोई जाए और चाबी लाए। मैंने पहले ही कहा था कि बस ड्राइवर वही है, मुझे नहीं लगता कि वो मरी होगी। तब तो हम फिर आगे जा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा साथ देगी। हमने असली बस ड्राइवर की बॉडी उस लगेज रूम में देखी है, वो मर चुकी है। मर गई? हाँ, मुझे लगता है कि उसका भी मर्डर हुआ है। ये नामुमकिन है, तब तो बहुत खतरा होगा। अब हम क्या करें, बेबस हैं। अगर तुमने कहा कि हम बेबस हैं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये पूरा एक सेटअप है, हमें बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। लेकिन क्यों, किस लिए करें? ताकि हम इस रेगिस्तान में बाहर निकलें और मर जाएं। तेरी आगे झुकते हैं हम, हमारी पली स्वीकार करो, उसका नाम बना रहे। अगर यही बर्निंग मैन है तो ये लोग इंसान नहीं है। ये कोई इंसान का खेल नहीं है। इस रात की देवी को पली देने के लिए लेकर आओ। ये सब हो क्या रहा है? छोड़ो मुझे! ये क्या कर रहे हो? छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो नहीं! छोड़ो! आ! आ! ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं! कुछ मत करो मेरे साथ! नहीं! ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अब ये सब कुछ सहना पड़ेगा। चाहिए किसी भी तरह, आज रात उसकी बलि चढ़ेगी।
हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास लोग भी कम है, हम क्या कर पाएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमारा खून भरा सांप निगल लो, हमारे पाप माफ हो जाएंगे। काम हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत ही डर लग रहा है। वो हमें भी मार डालेंगे क्या? नहीं, वो हमें नहीं मार सकते, हम कुछ और सोचेंगे। हम इसने सही कहा है। नहीं, ये बस एक बात है, हमारे पास कोई उपाय होना चाहिए। लगता है बाहर निकलने वाला है। लगता है ये अब काटने लगेगी। तो अपना काम करो मेरी जान। के अंदर आ गए हैं। हाँ, हमें पता है। कोई वहां से अंदर घुस रहा है। नहीं, वो अंदर नहीं आ पाएंगे, वो हमें मार डालेंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे मेरा लगेज चाहिए, पैनल ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या करने जा रहे हो? इन बसेस में ट्रैप डोर्स होते हैं जैसे प्लेन्स में होते हैं, हम इन फ्लोर बोर्ड्स के जरिए लगेज तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए तो चाबी चाहिए। नहीं, उसके बिना काम चला लेंगे। तुम्हारी बात सुनेगा। तुम चुप रहो वॉरेन, तुम तो सिर्फ मजा करने आए हो और क्या? सब लोग फंसे, हमें मदद करनी चाहिए, तुम्हें तो बस मजा चाहिए। तो उसमें गलत है। क्या कोई मिनी बार से बॉटल ओपनर ला सकता है मेरे लिए? अरे सुनो, बाथरूम में देखो, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। नहीं बच सकते। क्या बात है, उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं अपनी आंखों से नर्क देख रही हूँ।
और उनके आंख नाक कान भी है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? रोने का वक्त नहीं है, चलो लगेज निकालते हैं। इसमें देखो, शायद कोई जरूरत की चीज मिल जाए। लेकिन ये हमारे बैग्स नहीं है। मेरे ख्याल से जो मर गए उनका सामान होगा। ये काम आ सकता है, किसी को ये चाहिए क्या? हे, ये तो मेरा है। थोड़ा भारी है क्या इसमें? सिर्फ बर्निंग मैन गिफ्ट्स हैं, वो तो हमारे काम नहीं आएंगे, उसे छोड़ दो। मैंने कहा ना उसे छोड़ दो, क्या कर रहे हो? मैं तो फेस्टिवल के लिए पूरी प्रिपेयर होके आई थी, और यहाँ तो पूरा का पूरा हॉरर शो चल रहा है। तो तुम्हारे पास कोई चेन या चाकू है जो हमारे काम आ सके? सॉरी, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। देखा, मैं अकेली नहीं हूँ। क्या हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? बोलो। कैसे हो मेरे दोस्त? कौन शूट कर रहा है? हेलो मिस बस ड्राइवर, आप कहाँ गायब हो गई थी? एल एलन, तो तुम हो? तुम थी? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से कैसे निकलना है बताओ? ये नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, बस तुम ही चलाओगी। मुझे वो चाहिए। तुम उस ग्रुप के साथ मिली हुई हो, तुम भी डायन हो ना? नहीं, वो मेरे आदमी नहीं है। बकवास बंद करो, क्या हम मान जाए कि तुम उनके साथ नहीं हो? हाँ मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनकी लीडर नहीं हूँ, मैं बस उनकी नौकर हूँ। उन्हें जिन्हें चुना है उन्हें चुनेंगे। वो किसको बुला रहे हैं? और तुम्हारा बॉस कौन है, वो गंजा या फिर जो उसके पास खड़ा है वो वाला? I'm so sorry, तुम लोग बहुत अजीब हो। हमें एक और बलि चढ़ानी है। तुम हम सबको यहाँ क्यों ले आई हो? क्या ये सच है कि वो बलि देना चाहते हैं? तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती हो, वैसे भी हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं। बस की चाबी दो हमें, मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हारे हाथों में देखा था। हाँ, वो चाबी वो बस कंपार्टमेंट की है, बस इंजन की नहीं है। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करें? बिल्कुल नहीं। हाँ। अगर तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ कर लो, मैं तैयार हूँ। हाँ तो मैं देखता हूँ ना। अच्छी तरह चेक करो। ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो हम उन लोगों जैसे नहीं हैं कि तुम्हारे मुंह में सांप डाले। तुम बहुत खतरनाक हो, क्यों हो ना? मेरे अपने लोग हैं, मेरी रक्षा करने आए हैं। हमारा एक रिलीजन है, पुराना रिलीजन है। आज की रात जश्न होगा। पूरी तरह फैला लो। समय आ गया है, मैं बता देती हूँ, तुम में से एक को चुन लिया है उन्होंने। बस बस बस, ये कहानी पहले भी सुनी है, किसी घटिया मूवी के डायलॉग्स हैं। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को?
हम रास्ता बना रहे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। हमें जो चाहिए वो सब कुछ दो जिससे हमारा मुल्क बना रहे। आलन, मुझे नहीं लगता कि इसके पास चाबी है। शायद इसके अंदर है। तुम समझदार लगती हो। हमारे पास आओ, हम अपना शरीर त्याग देना चाहते हैं। वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं? वो खून पी लो, जो मेरा है वो तेरा है। मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। अब हम चमत्कार करेंगे। उन्होंने जिसे चुना है उसके आने की तैयारी हो रही है। आखिर वो हमसे चाहते क्या है? मैं बता देती हूँ, वो और कोई नहीं, तुम में से एक ही है। तुम में से मेरे बाद जिसे चुना है उसे अपना लो, उसे ले आओ मेरे पास। किसने चुना है? मास्टर ने। जरा डिटेल में बताएंगी? दोस्तों बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं जल्दी इस बस को यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो, चाबी चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती। शायद तुम नहीं करोगे। इसके बारे में नहीं बोलूंगी। शायद इसने लगेज में कहीं छोड़ दिया होगा। चलो जाकर देखते हैं। मैं जाके देखता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। बाय। लगता है कुछ पाउडर डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बस को आग लगा देंगे क्या? ये आइडिया भी बुरा नहीं है। जल्दी करेंगे तो अच्छा। मुझे लगता था कि तुम इन सब की लीडर हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर कौन है? जिसे चुना है वो, लेकिन वो खुद नहीं जानती। अभी तक उसे इस बात का पता नहीं है। अरे यार, चाबी हमें यहाँ पे कैसे मिलेगी? ढूंढते रहो, शायद कहीं मिल जाए। शायद उसने बैग में डाली हो। अरे वाह, बहुत कमाल की चीज है। शायद कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा है। वो मेरा नहीं है, उसे नीचे रखो। वैसे तुम कुछ और समझ के आए थे, यहाँ कुछ और हो रहा है। मुझे लगा कि तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे जाती हो। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये कमाल की चीज है। चलो चलते हैं। लगता है वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। कौन है? सॉरी सॉरी, कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। जिसे हमने चुना है उसे बाहर भेजो, जल्दी करो। चुना है उसे छोड़ दो, बाकी सब आजाद हो जाएंगे। क्या चुना है? किसे चुना है? ओके, शायद इन्हें जोश चाहिए। यहाँ जोश कौन है? जोश तुम हो क्या? तुम? हाँ, इसने कहा कि इसे चुना हुआ चाहिए, चुने हुए नहीं। ओह, तो ये मतलब है जोश नहीं? जिसे हमने चुना है उसे बाहर भेजो। हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दो पागल औरत, वरना मार डालेंगे। वो लोग सुन रहे हैं। हमें सिर्फ वही चाहिए जिसे चुना है। वो वर्जिन है। हाँ, वर्जिन, वर्जिन। तुम्हें सच में लगता है कि हम में से कोई वर्जिन बचा है? हाँ, नहीं, तुम्हारी बात में दम नहीं है। मेरे 12 हो गए। मेरे 3 हो गए। मैं लेट कमर हूँ। मैंने बहुत ऐश की है। तुम में से कोई नहीं है जिसे उन्होंने चुना है, तो फिर और कौन है? हमने जिसे चुना है उसे छोड़ो। मेरे ख्याल से ये भी वर्जिन नहीं है। तुम लोग भी मान जाओ। अरे ना समझ, यही है वो जिसे वो बुला रहे हैं। छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। तुम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर चुके हो, अब समय आ गया है उसके जाने का, समझे? इन सब चीजों से मुझे पता चल गया कि वो वर्जिन है। वो लाजवाब है,
Let's do it. तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तुम जब से पैदा हुई हो तब से तुम पर निगाह रखी है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। तुम्हें गोद लिया था और तुम समझ रही हो तुम इस बस में खुशी खुशी आ गई अपने आप? बिल्कुल नहीं। मैं छोड़ो उसे जल्दी छोड़ो। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने पता नहीं क्या खाया, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर उस आदमी ने मुझे लिफ्ट दी और फिर मैं बिना सोचे समझे उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उस आदमी का नाम ग्रेगरी है। जिसे हमने चुरा है उसे भाग। जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। ये तो वही आदमी है। तुझे अब चलना होगा लौरा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आज एक इम्पोर्टेंट रात है, तुम साथ चलोगी तो ये बच जाएंगे। चुप कर तोड़, मैं जाओ, ये नहीं आएगी तुम्हारे साथ। हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो उसे, हमने जिसे चुना है। निकालो उसको, हमने जिसे चुना है। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। अपने फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो। हाँ, करते हैं। वो बस ड्राइवर कहाँ गई? छोड़ो उसे। मुझे किसी ने जकड़ लिया है। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। ये औरत है या डायन? उसके टैटूज कहाँ गए? Ha ha!
हे भगवान। किसी को सांप ने या बिच्छू ने काटा है क्या? बस मुझे ही काटा है। जीसस, तुम्हें बहुत बुरी तरह काटा है। वो लोग बस नाजुक लोगों को ही काटते हैं। तुम ज्यादा मत बोलो, दर्द बढ़ जाएगा। उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बस रुक गए, मैं क्या कर सकता हूँ अब? तुम्हें बताओ ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी ही गलती है, उससे सब खतरे में आ गए हैं। मुझे इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। ये लोग इंसान नहीं, शैतान हैं। फ्री ले जाएंगे। उसने मुझे इनकी वजह तुम रह। इनकी वजह तुम मत रो। इनकी वजह से तुम मत रो। इनकी वजह से तुम क्यों रो रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। भयानक सपना लग रहा है। लगता है हम में से किसी को जान देनी होगी। किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। वक्त आ गया है लौरा। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये नहीं जाएगी तो वो बस के अंदर आ जाएंगे और सबको मार देंगे। मैं नहीं मरना चाहती। माफ करो लेकिन त्याग तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, रूल्स तो यही कहते हैं। मेरी बात समझ लो अच्छी तरह। सोचो, अगर ये वर्जन नहीं होती तो इसे बलि देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। उसके लिए हम कुछ करते हैं। मैं चाहती हूँ सब उसे छोड़ दो इसी वक्त। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे। कोई बलि नहीं देगा, कोई कुर्बानी नहीं देगा। लेकिन अगर मैं वर्जिन नहीं रही तो मुझे नहीं मारेंगे। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ, शायद मैं ये कर सकती हूँ। और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास ये स्पेशल टॉयज वगैरह भी हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करना। शायद काम बन सकता है। मजा आ गया, क्या बात कर रही हो तुम? मैं करूंगा। एलन, मेरे ख्याल से तुम्हारा खून बहुत बह चुका, तुम्हारा ये करना ठीक नहीं है। इसके लिए मैं दवाई ले। नहीं, इसको लेकर अपने आप को और बर्बाद मत करो। तब तो फिर कौन करेगा? निकालो सबको। सब लड़कियां इकट्ठी हो जाएं। हो जाएं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पीटर। हाँ, देखो जैसे ये लोग सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम किसी और से भी कर सकती हो। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसे देखो तुम। हाँ, तुम सुंदर हो, खूबसूरत हो, मुझे पसंद भी आए हो, लेकिन मेरी अब मैं। तुम घबरा क्यों रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बस इतना कह रहा हूं, देखो सबके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं एक बैंकर हूं। सब लड़कियां इकट्ठी हो जाएं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तैयार हूं। तुम बीच में मत पड़ो। अरे मुझे क्यों रोक रही हो? ब्रेक मिलेगा यार। ब्रेक चाहिए तुम्हें? मैं सब तोड़ दूंगी, ब्रेक हो जाएगा। प्लीज, मैं उसकी वजह से मरना नहीं चाहती। क्या हम लाइट्स डिम कर दें? नहीं तो वो ठीक है। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। बड़ी अजीब जगह है, क्या करूं? या, मैं थोड़ी नर्वस हूं, माफ करना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मुझे गन दो, मैं रीलोड करता हूं। मैं भी कर सकती हूं।
तुम्हारी उम्र क्या है? बस 18 की होने वाली हूँ। 18? सही है, सही बात है। Well, सच कहूँ तो मैं कल 18 की हो जाऊंगी। मतलब इस वक्त माइनर हो? पता नहीं, वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बजने में 5 मिनट है। सो 5 मिनट है ना, तो मेजर समझो। मुझे अजीब लग रहा है। अरे थोड़ा जल्दी करो अपना काम। चुप करो। जल्दी छोड़ो उसे। हम उसी काम पे लगे हैं। हाँ, अब हम बच जाएंगे। चलो तुम अपना काम करो। आपके पास जाओ। अरे सुनो, मैंने चाबी के बारे में कोई मजाक नहीं किया था। उसके पेट में ढूंढना होगा। तुम्हारा मतलब उस डाइन ने चाबी को निगल लिया? चलो देखते हैं। हमने रास्ता साफ किया। क्या बात करते हो गौरव, तुम बहुत अजीब हो। आप लोग इकट्ठे हो जाओ और सब कुछ का इंतजार करो। आज हमें सबकी भलाई के लिए बलि देनी ही पड़ेगी। और अंदर थोड़ा और आगे जाके देखो, क्या कहते हो? हमसे बात करो, हमको वो चाहिए। हम सबका भला चाहते हैं। मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बॉडी तुम्हारे लिए अर्पित है। अब बहुत देर हो गई है, बलि का समय हो गया है। बलि की तैयारी जल्दी कराओ। अरे ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह हमेशा कुछ न कुछ बकता रहता है, इसकी बातों में ध्यान मत दो। हाँ, चाबी मिल गई मुझे। चाबी मिल गई। छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। मैं ट्राई करती हूँ। छोड़ो उसे, जल्दी छोड़ो। ऐसा लगता है जैसे बाहर जादू टोना कर रहे हैं। अरे सुनो, हमें चाबी मिल गई। हाँ हो। वक्त आ गया है, तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। जिसे चुना है उसे छोड़ दो। जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो, बात करो मुझसे, कोई तो बोलो। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब क्या हुआ? लारा ने जो किया उससे सब काम खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा करने से एक और डायन पैदा हो गई। शायद वो मॉन्स्टर बन गई है और उसने पीटर और एलन को मार दिया है। क्या? वैसे वॉरेन कहाँ है? उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। पागल है। सच कह रही हो? पता नहीं तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया। हाँ, हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे, पहला प्यार। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उतना नहीं जितना आप भी देख रहे हैं।
वैसे लौरा कहाँ है? शायद वो इस वक्त खा रही है। बस तो चल पड़ी है। अब मुझे भी बाहर निकलना चाहिए है। कुछ पता है हम किस तरफ जा रहे हैं? पता नहीं, पर ये बस जहाँ भी ले जाए कहीं तो जाना होगा। ओके, शायद कुछ भी हो जाए तुम बस चलाती रहना। तुम क्या करने जा रही हो? पार्टी तो खत्म हो गई। रेजर, क्या कर रही हो? लारा, तुम अभी जिंदा हो? कहाँ हो? ओके, तो सबसे पहले जब मैं वापस पहुंचूंगा तो इस बस कंपनी पे केस कर दूंगा। मैं उनको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा मैं उनको। गर्लफ्रेंड को छोड़ के बीवी के पास चला जाऊंगा। मुझे नालायक कहती है वो, छोड़ दूंगा उसको मैं। बेकार की औरत है वो, छोड़ दूंगा उसको मैं। बाहर में जाओ रीस। क्यों पीट रहा है? मैं हूँ आईवी, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, भाड़ में जाओ। हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ करो। क्या मैक्स की गर्लफ्रेंड अभी भी है? हाँ है, लेकिन अब तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसी से जाके मदद मांगो तुम। वो बिजी है, बस ड्राइव कर रही है। फिर वो कहाँ चला गया? कहाँ है वो? मैंने उसे लगेज कंपार्टमेंट में लॉक कर दिया है, लेकिन मुझे शक है कि वो कभी भी आ सकती है। अब मुझसे तुम क्या चाहती हो? मदद करो उसे मारने में। छोड़ो तुम, जब तक हम वेगस नहीं पहुंच जाते मैं बाहर नहीं आऊंगा, समझ लो अच्छी तरह। तुम बहुत बड़े नालायक हो, आज पता चला। तुम दोनों भी बेकार औरतें हो, समझ लो ये बात। वॉरेन, क्या हुआ? वॉरेन, 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 क्या हुआ? वॉरेन, दरवाजे से दूर हो जाओ। माफ कर देना, मुझसे बात करो। बस ड्राइव करती रहो। जीसस, क्या हुआ बताओ मुझे। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर गया है। और बैड न्यूज़ क्या है? और वो बैड न्यूज़ उतनी बुरी तो नहीं है। लौरा जो हमारे साथ थी वो चल बसी, मैंने उड़ा दिया पूरी तरह। अगर वो कहीं हो तो वो मर रही होगी, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जिंदा होगी। हाँ, हम कहाँ पर हैं पता लगा? नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वैसे थोड़ी देर में अभी सुबह हो जाएगी, उसके बाद रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, कहीं गर्म पानी मिल जाए तो नहाने का मन कर रहा है। मेरा भी वही मन कर रहा है। और हम दोनों मिलके शवर भी कर सकते हैं, तुम्हें शवर पसंद है ना? हे आईवी,
मैं मानती हूँ कि वॉरेन थोड़ा नालायक था, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था। मुझे तंग मत करो, अब कोई नहीं बचा। चलो जो होगा देखा जाएगा। वैसे हमें सुबह तक कोई जगह ढूंढनी होगी। तुम गाड़ी चलाती रहो, बिल्कुल प्रेशर मत। नहीं नहीं, मेरा नहीं, मतलब मेरा मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गैस खत्म हो गई है। तुम मजाक कर रही हो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब क्या करें? मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन इतनी रात को मैं बाहर नहीं जाऊंगी गैस ढूंढने। वैसे मैं भी नहीं जा सकती। हाँ तो फिर हम सुबह तक यहीं रुकते हैं और जितना हो सकता है खाने पीने का सामान ले लेंगे, फिर बाहर जाकर किसी से मदद मांगेंगे और उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे। मुझे तो अभी से नींद आ रही है। हाँ ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। चलो सोते हैं। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम? ओ ये सब तुमने कहाँ से सीखा? छोड़ो मुझे। ओ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। छोड़ो, ऐसा मत करो, छोड़ो ना मुझे, छोड़ दो मुझे। ओ, अब दूर हो जा मुझसे। हे भगवान, बच गए। रीज, अच्छा हुआ तुम उठ गई। मुझे उठना पड़ा, मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हम बीच जंगल में हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा। अंदर कोई एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं, मैंने देख लिया है, सब खाली। हाँ कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब पैदल चलेंगे? हाँ यही ठीक लगता है। तुम समझती हो वो हमारी मदद करेंगे? मेरे पास सिर्फ 3 बुलेट्स हैं। मेरे पास कॉर्स, क्रूज और कैंची है। इससे क्या होगा, हम उन्हें क्या बताएंगे? पता नहीं, कुछ सोच समझ के बोलेंगे हम उनसे। बस में 6 डेड बॉडीज हैं, मुश्किल में तो पड़ेंगे हम। चलो बात करते हैं। ओके। मॉर्निंग लेडीज। हाय। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? आपकी तारीफ। बॉब क्रीक, मैं सिन सिटी पार्टी बसेस से हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। हमारा पता कैसे चला? हम लोग ट्रैक करते हैं, हम लोग अपने बसेस को ट्रैक करते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। जब हमें रेडियो कॉल्स नहीं मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, और इसीलिए मैं आया हूँ। मैं बॉब क्रीक हूँ। हेलो, तो वो मैटिल्डा कहाँ है? कौन? बस ड्राइवर मैटिल्डा गेटी। बहुत बड़ी कहानी है। वो यही, हमारे बस की गैस खत्म हो गई है। वो बाकी लोगों के साथ नजदीक के गांव में गई है गैस लेने पैदल, क्योंकि वो करीब 20 मील दूर है यहाँ से। ये बात है। वो बस को यूं ही यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर ठहरने के लिए कहा था। बस आप दोनों? हाँ हम दोनों। तो आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए?
पता नहीं, हम तो ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं ना। मुझे लगता है उसे शॉर्टकट लिया होगा। That's right. हमेशा जीपीएस को फॉलो करना चाहिए, यही एक नंबर वन रूल है। हाँ। उसे समझना चाहिए था। वैसे बस को देख के लगता है कि ये नर्क से आई है। शायद सही बोल रहे हो। आप लोग तो फ्रेश लग रहे हो। हम लोगों ने किसी भी तरह अपने आप को फ्रेश कर लिया। जितना हो सकता था हमने कर लिया। ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका लगेज ले लेता हूँ। नहीं, ठीक है, फिर हम शहर की ओर चलते हैं। चलिए, घबराइए मत। क्या आप हमारे लोगों को कॉल कर देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुझे सिग्नल मिलता है मैं कॉल कर दूंगा। मतलब तुम्हारा जीपीएस काम नहीं कर रहा है? हाँ, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता। तो आपने हमारा पता कैसे लगाया? उप्स, तुम फंस गए। और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं ड्राइव करूं? कर सकती हो ना? मैं ड्राइव कर सकती हूं। था कि वो डायन बन गई है। मैंने सही कहा था। वैसे कितने बुलेट्स बचे हैं? कुछ भी नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? तुम्हें कुछ याद है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम बस में थे, तुम सबने कहा था मुझे पीटर के साथ जाना है। जब होश आया तो मैंने देखा मैं डेसर्ट में हूँ। मुझे वहाँ कपड़े मिले, मैंने पहन लिए। और अच्छा, दरवाजा खोलो, मैं भी साथ चलती हूँ। वन मोमेंट, क्या तुम श्योर हो कि ये डायन बन गई है? इसे देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये डायन। मैं दावे से कह सकती हूँ, ओके, ये बिल्कुल डायन बन चुकी है। मुझे पूरी तरह याद है कि उसने एलन के छाते को फाड़ा था और पीटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो बहुत बुरा हाल कर दिया था। शायद वो रात को डायन बन जाती है और सुबह सब कुछ भूल जाती होगी। तुम्हारा मतलब वेयरवॉल्फ की तरह? अब ये सब तो मेरी समझ के बाहर है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी अंदर आना है। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। लारा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? गर्मी है, थकी हुई हूँ, प्यास लगी है, परेशान भी हूँ, और उसके अलावा थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। बहुत डर लग रहा है, दुखी हूँ। ओके ओके ओके, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डायन नहीं हो। ये मैं कैसे साबित करूँ कि मैं डायन नहीं हूँ, बताओ? शायद वो ठीक कह रही है। गाड़ी में बिठाने के लिए शुक्रिया। तो अब तुम्हारे अंदर कोई ताकत बची है? बिल्कुल भी नहीं। अरे ओ, देखो वो क्या है? छोड़ो, अब वो खत्म हो गया है। चलो म्यूजिक सुनते हैं। तो
magic to me. Yeah, 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 yeah. So long.